हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं 50 गज का प्लॉट लेकर आया हूं, जिसका डायमेंशन है 15x30। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था 50 गज का प्लॉट का, जिसमें प्लॉट की लेआउट तो सेम है, एलिवेशन भी सेम है, बट कुछ कुछ इसमें डिफरेंट है। जैसे कि मैंने उसमें ग्राउंड फ्लोर में किचन लिया हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग है, और यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम एज इट इज़ है, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे बेडरूम है। प्लस इसके एलिवेशन में भी फ़र्क है। एक तो यहाँ पे किचन का मैंने बता दिया, और इसके एलिवेशन में भी फ़र्क है, और फर्स्ट फ्लोर पे भी फ़र्क है। तो उससे पहले हम देखेंगे पहले इसका 3D व्यू। 3D व्यू कुछ इस तरीके का है, इसका देख लेते हैं। अब मैं यहां से बात करता हूं आपसे कि ये जैसे विंडो है ये सेम है, ग्रूविंग भी सेम है इसमें, और गेट भी सेम ही मान लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने गेट शो नहीं किया है। गेट का ये डिजाइन नहीं होगा, बस मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे एक गेट होगा। ओके, यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि यहाँ पे ये करीब 6 या 7 फुट तक की वॉल है उसमें, और ये पूरा ओपन है यहाँ तक। मैंने इसमें क्या किया है, कुछ डिजाइनिंग कंसेप्ट के लिए मैंने इसको एल बैंड एक बना दिया है, जिसमें ये बैल्कनी का जो है अलग से एक अलग कलर में दिखेगा। ओके, और यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे क्या है कि मैंने बाहर को बैल्कनी नहीं निकाली है प्लॉट से। जैसे जो साइज है हमारा 30 फुट का, 30 फुट के अंदर ही मैंने ये बैल्कनी प्रपोज की है। ये यहां से लेके यहां तक बाहर तक 3 फुट तक है, जिसमें ये 4.5 इंच की आपकी वॉल आ जाएगी, 4.5 इंच या 6 इंच मान लीजिए, क्योंकि आप इसको 2 इंच अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे 2 इंच अंदर ले जाइए, या फिर यहाँ पे ग्लास रेलिंग दे दीजिए, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे ग्लास रेलिंग भी दे सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे ग्लास रेलिंग है तो यहाँ पे ग्लास रेलिंग भी डाल सकते हैं, तो फिर इस हिसाब से ये 4 इंच का बन जाएगा। और नहीं तो अगर ये 4 इंच का हम देंगे तो इसके लिए फिर हमें 2 इंच और वेरी करना पड़ेगा इसके साइज में, ताकि इसमें ये वेरिएशन दिखे। दिख रही है यहाँ पे ये वेरिएशन है। और यहां से अगर कोई अदर प्रॉपर्टी है तो यहां से हम इसको बिल्कुल ही ढक देंगे, यहां से पूरा ये क्लोज होगा, क्योंकि हम 30 फुट के अंदर में बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 30 फुट के अंडर में कोई और भी प्लॉट होगा, इसलिए हम इसको यहां से बंद कर देंगे, बस यहां से खुला रहेगा, और आपको ये पूरी बालकनी मिल जाती है एल शेप में। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आगे ममटी वाला एरिया। ममटी वाला एरिया भी सेम है, और ये जो बालकनी हमने अलग निकाली हुई है 3 फुट इधर से 3 फुट इधर से, जैसे कि इस डोर को भी सनशेड मिल सके, बारिश वारिश में मतलब खराब ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 3 फुट आगे बढ़ा दिया इसको। और यहाँ पे आप चाहे तो ग्लास रेलिंग भी डाल सकते हैं, प्लस ये आगे वाला पोर्शन जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर ग्लास को थोड़ा सा पीछे ले जाएं और यहाँ पे एक प्लांटर बेड बना दें तो काफी अच्छा स्पेस बन जाएगा। और ये ममटी पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है, बट ऐसे अगर ना दिखाना हो तो यहाँ पे नॉर्मली 1.5 या 2 फुट की वॉल क्रिएट कर सकते हैं ऊपर। हाँ, एक चीज और, मैंने यहाँ पे डोर नहीं दिखाया, डोर यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आपका, क्योंकि सॉरी, लैंडिंग आपकी वहां पे आएगी, यहाँ पे चढ़ के आएंगे तो यहाँ पे आपका एक डोर होगा, इधर इस वाले रही जहाँ पे ये माउस आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे डोर होगा, और जस्ट डोर के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्शन डाल दीजिएगा 2 फुट या 2.5 फुट का बाहर निकाल के, वो इसलिए जिससे कि ये दरवाजे पे पानी कम से कम पड़े। ठीक है,
इतना तो आप समझ गए। उसके बाद हम चलते हैं लेआउट प्लान पे अपने। दोस्तों लेआउट डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपसे कि अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स में से कोई भी हमसे प्लॉट डिजाइन करवाता है, डिजाइन मतलब सिर्फ प्लानिंग, ठीक है, तो जैसे प्लानिंग करवाता है 50 गज का, तो उसके लिए जो है हम 500 चार्ज करेंगे। और सपोज उसके पास किसी के पास जैसे 100 गज का प्लॉट है, 100 गज के प्लॉट के लिए हम 1000 चार्ज करेंगे सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने लेआउट पे। तो लेआउट में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेन एंट्री होगी आपकी 6 फुट की, यहाँ पे एक बाइक पार्किंग होगी आपकी। यहाँ से आपने एंट्री किया, एंट्री करते ही यहाँ पे यहाँ से आप स्टेयरकेस के ऊपर चले गए फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ आपकी लैंडिंग बनेगी, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम और आपका यहाँ पे LCD लगा लें। स्टेयरकेस के नीचे क्या होगा कि आप यहाँ पे स्टोरेज डाल सकते हैं। और हाँ एक चीज और कि यहाँ पे अगर आप LCD ना डालना चाहते हो तो यहाँ पे एक शोकेस डाल सकते हैं जिसमें आपका शू रैक वगैरह बन सकता है इजीली। तो यहाँ से हम एंट्री किया है, हमने यहाँ पे जो लास्ट हमारा था वीडियो 50 गज का, उसमें मैंने यहाँ पे किचन डाला हुआ है, लेकिन इसमें मैंने एक बेडरूम डाल दिया है, थोड़ा सा साइज भी बढ़ा दिया है इसका। मैं साइज बता दूंगा आपको, साइज यहाँ पे आपकी 3 फुट की अलमारी मिल गई आपकी, 3 फुट बाय साइज मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। ये आपका 3 फुट है बाहर बाहर, और इसकी अब लेंथ देख लूं जरा, 4 फुट 6 इंच है, और 3 इंच हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं 3, या फिर अगर बेड को ऐसे लगा दें तो इस हिसाब से क्या होगा कि अगर इस पोर्शन पे लगा देते हैं तो हमें बेड और भी बड़ा मिल सकता है, और हमारी वार्डरोब जो है उठ के यहाँ पे आ जाएगी कोने में, या फिर इस साइड हम किसी भी कोने में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम डिपेंड करता है ना कि बच्चा कितना बड़ा है, ठीक है। किड्स बेडरूम मतलब किड्स बेडरूम ही है, टीनेजर नहीं, किड्स बेडरूम, 10 साल 15 साल तक के बच्चों के लिए अच्छा स्पेस है। आते हैं मास्टर बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में जो है हमने यहाँ पे एक बेडरूम दिया हुआ है, दोनों साइड पे साइड टेबल्स डाले हुए हैं 15 बाई 15 इंच के, यहाँ पे एक छोटी सी विंडो है, इनकेस अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज हटा सकते हैं। और यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पे आपका वार्डरोब है 4 फुट समथिंग का है, और ये आपका एक ड्रेसिंग हो गया, और यहाँ से आपका बाथरूम मिल गया, यहाँ पे आपका बेडिंग एरिया हो गया लास्ट में, और यहाँ पे आपका ये बॉल माउंटेड WC हो गया, और यहाँ पे आपका वॉश बेसिन मिल गया। अब इसको क्या किया हमने कि यहाँ से जो है ना बाहर से एक 2.5 फुट का डोर दे दिया, यहाँ पे 2.5 फुट है या फिर 2 फुट 3 इंच है, आप दे सकते हैं 2 फुट 3 इंच का भी दे सकते हैं, क्योंकि ये रियर यूज के लिए होगा, और इसे आपका बच्चा ही जाएगा यहाँ पे, तो आप 2 फुट 3 इंच का भी दे सकते हैं दरवाजा, 2 फुट 3 इंच कम नहीं होता, ठीक ठाक साइज है। तो ये रियर यूज के लिए, ये मतलब एक कॉमन टॉयलेट बन जाएगा आपका। ओके, फर्स्ट फ्लोर का लेआउट कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से हम चढ़ के जो है यहाँ पे लैंडिंग करते हैं, लैंड हो गए यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा डाइनिंग स्पेस है, डाइनिंग चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये आपका एक अच्छा खासा स्पेस है। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ से हम किचन में चले गए, किचन हमारा यहीं पे है, और एक बेडरूम हमारे को यहाँ पे मिल गया, नीचे 2 बेडरूम हो गए और ऊपर 1 बेडरूम हो गया, और यहाँ पे किचन हो गया, यहाँ पे डाइनिंग हो गया,
ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से बालकनी पे जाते हैं। बालकनी जो है काफी अच्छा स्पेस है बालकनी पे, और यहाँ पे भी हमें बालकनी मिल जाता है एल शेप में। और ध्यान रहे, ये जो है बालकनी हमने बाहर नहीं निकाली, क्योंकि हमारा प्लॉट का साइज ही 30 फुट लेंथ है इसकी, तो 30 फुट से हमने बाहर नहीं निकाला इसको। ठीक है, तो किचन पे थोड़ा सा डिस्कस मैं करना चाहूंगा कि एज पर अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। कि सपोज यहाँ पे जैसे ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, तो यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल ये हटा के 4 सीटर भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा सा स्पेस और इधर को हो जाएगा ये टेबल। ठीक है, ये तो हो गई डाइनिंग टेबल की। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किचन पे। तो किचन पे जैसे मैंने यहाँ पे कोने में डोर इसलिए दिया कि जैसे थोड़ा सा कन्वीनियंट हो यहाँ से जाने के लिए। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो जैसे ये है काउंटर को पूरा ले लें, दीवार ये पूरी यहां तक लगा लें, और बीच में जो ये ओपन स्पेस बचता है यहाँ पे आप डोर निकाल दें, डोर निकाल दें या फिर ओपन छोड़ दें, पूरा बिना डोर का किचन को ओपन छोड़ दें, तो आपको ये पूरा काउंटर मिल जाएगा यहाँ पे। या फिर अगर काउंटर ना लेना चाहें तो यहाँ पे आपका फ्रिज का स्पेस मिल जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे आपका कुकटॉप हो गया, और यहाँ पे आपके 2.5 फुट की एक डोर आ गई, और साथ में 2 विंडो आ गए वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे आपका सिंक हो गया, इसके ऊपर आपका GTPT आ जाएगा। एक चीज और था इसमें, मैं साइजेस दिखा देता हूं आपका, आपको ये साइजेस जो है फर्स्ट फ्लोर के ये साइजेस हैं, 7 फुट 6 इंच बाय 7 फुट 10 इंच, और ये 8 फुट 6 इंच बाय 11 फुट 3 इंच यहां से यहां तक आया है 11 फुट। बेडरूम का साइज वही है नीचे जो है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टॉयलेट का साइज चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3 फुट एक्स्ट्रा मिल रहा था हमें नीचे, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो चीज यहाँ पे चेंज है, बाकी सब सेम है। मैं उसका भी फर्स्ट फ्लोर का भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो किड्स बेडरूम है आपका 8 फुट 6 बाय 7 फुट 10 इंच मिल रहा है, और ड्राइंग रूम का जो साइज है 10 फुट बाय 11 फुट 3 इंच है। मास्टर बेडरूम का जो साइज है 9 फुट 6 इंच बाय 9 फुट 10 इंच का है। ड्रेस का साइज है ये 5 फुट 6 बाय 4 फुट 5 इंच, और टॉयलेट का साइज है इसमें जैसे कि स्टेयर के से यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ से ये अंदर आपको वेडिंग एरिया मिल गया। अप्रोक्सीमेट आपको काफी अच्छा हाइट मिल जाएगा यहाँ पे, 8 फुट अबव मिलेगा, क्योंकि ये हमारी लैंडिंग है ना, तो यहाँ पे 8 फुट अबव ही मिलेगी। तो ये आपका 7 फुट 6 इंच बाई 4 फुट का हो गया, और ये बालकनी जो है, सॉरी बालकनी आगे का पोर्शन है वो 6 बाई 7 का है, 7 बाई 6, 7 ऐसे लेंथ है और 6 ऐसे है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं वो जो दोनों एलिवेशन जो मैंने बनाए थे। ये वाला जो एलिवेशन है मैंने पहले बनाया था 15 बाई 30 का, अब इसमें क्या है कि इसमें वेरिएशन ये है कि ये ओपन है, ठीक है, और इसमें जो है ये एल बैल्कनी है, ये एक्स्ट्रा निकली हुई है बाहर। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, अलग है, बस थोड़े से एलिवेशन सेम है, बाकी इंटरनल भी चेंज है एक्सटर्नल भी चेंज है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे गेट लगा हुआ है, यहाँ पे भी गेट लगेगा जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें ये बंद है, इसमें ये ओपन है, यहाँ पे ग्रूविंग है इस वॉल पे, यहाँ पे भी ग्रूविंग है, यहाँ पे सेम विंडो, ठीक है। ये बालकनी बाहर निकली हुई है, ये बालकनी अंदर है, लेकिन है भी ये भी एल ही शेप की है, और ये भी एल शेप की ही है बालकनी, लेकिन ये हमारे प्लॉट साइज के अंदर अंदर है, और ये प्लॉट के एक्स्ट्रा 3 फुट बाहर है ये वाला। ठीक है, और इसका एलिवेशन कुछ ऐसा बना है, और इसमें जो है हमने विंडो डाली हुई है, इसमें हमने और आपका जो 2.5 फुट का जो किचन है उसमें डोर डाला हुआ है, और 1.5 फुट के साइड में विंडो डाली हुई है। ठीक है, ये फर्क है इसमें, बाकी सब कोई फर्क नहीं है। और कलर कॉम्बिनेशन अगर चाहे तो आप ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो पत्थर भी यूज कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।